Hey guys, fries? I love them. But honestly guys, मैं उन loaded killer fries का ज़्यादा बड़ा fan हूँ. बहुत दिन हो गए ना ऐसे fries खाए हुए, है ना? भाई मुझे पता है, बहुत दिन हो गए यार वो बढ़िया वाले fries खाए हुए. तो आज तुम्हारा भाई घर पे बैठ के वो killer fries बनाने वाला है. Truth be told, वो killer fries बनाने का attempt करने वाला है. गाइज मैंने ना बढ़िया बढ़िया कुछ किला फ्राइज की रेसिपी देखी है यूट्यूब पे. ये वीडियो चेकआउट करो. और हाँ डिस्क्लेमर यार, आज की वीडियो में मैं जितना भी कुछ बनाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता है भाई किचन में घुस के मेरी बस की नहीं है कुछ ज़्यादा काम करना. मतलब काम ऐसा करेंगे भाई जिसमें कम मेहनत लगे और बढ़िया सा खाना बने. यार ये वाली वीडियो एक बार चेकआउट करो. Honestly, जो यार इन्होंने वीडियो में बनाया ना, those are not actually fries. उन्होंने तो यार fries pie बना दी, या फिर इसे fries burrito कह सकते हैं, I don't know. But यार मुझे ये देखने में बहुत ज़्यादा appetizing लग रहा है, इसलिए मैं बनाने वाला हूँ. But जो steps इन्होंने मुझे बताए हैं वो मैं completely तो follow नहीं करने वाला, मैं इसमें थोड़ा अपने शशके भी लगाने वाला हूँ. And पक्का promise, इसके बाद वाली जो recipes होंगी ना वो fries वाली होंगी, I guess. कोशिश करेंगे. अब मन ललचा आ गया यार कोई बढ़िया सी रेसिपी देख के, तो करना पड़ेगा ना यार, समझा करो. एंड लेट्स फाइंड आउट कि यार ये फ्राइज बोरीटो वॉज वर्थ माई मेहनत और नॉट. क्योंकि भाई ये अनियंस और ये कैप्सिकम तो मैंने ही काटे है ना, मतलब ऐरा गहरा समझा हुआ है क्या? मैं मेहनत करता हूँ भाई, ऐसा मत समझो. बट यार आइडिया मैं पूरा पूरा उस वीडियो में से लेने वाला हूँ. मैंने सबसे पहले टॉर्टिया ब्रेड्स रखी, उसके अंदर अब मैं थोड़े से फ्राइज डालूंगा. देन मैं डालूंगा इसके अंदर डाइस्ड चीज. नाउ इट्स टाइम फॉर सम बेल पेपर्स, कैप्सिकम एंड अनियंस. और मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ चिकन सलामी एंड चिकन सीख. ऑल्सो यार मैं दो नई सॉस लेके आया हूँ. दिस इज मिंट मेयो एंड दिस इज शिपोले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग. तो थोड़ी थोड़ी ये भी डाल ही देते हैं. सम मोर फ्राइज, उसको भाई अब अच्छे से हम लॉक करेंगे. नाउ गाइज अच्छे बच्चों की तरह इसे 30 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे बेक होने के लिए डाल देंगे. 15 मिनट्स लेटर गाइस, 15 मिनट हो गए हैं. 30 मिनट के लिए उसमें डालना था एज पर द वीडियो. 15 मिनट के बाद थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. वेट, चेक दिस आउट यार. एक बात बता दूं, ये जो ऊपर वाली टॉर्टिया है ना ये पूरी पापड़ बन चुकी है. एंड आई एम नॉट श्योर इफ थिंग्स आर हेडिंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट. और मेरा हाथ बहुत जल रहा है. अब समझ नहीं आ रहा यार इसको 15 मिनट और होने दूं या निकाल दूं. ये चलो रिस्क लेके देख लेते हैं, 5 मिनट और रख देता हूँ. गाइज इट्स टाइम, फिंगर क्रॉस्ड. शकल से भाई इतना बुरा नहीं लग रहा. वो लुक एट द चीज, वाओ. नाउ आई एम होपफुल. वो हो, चेक दिस आउट गाइस. यार सच बताऊं पूरी अफगानी बर्गर वाली वाइब आ रही है इसमें से. यार ये नीचे की लेयर ना एकदम क्रिस्प हो चुकी है. और क्या ही बोलूं यार, मैं चुपचाप खा रहा हूं. बस इसके ऊपर मैंने पेरी पेरी मसाला डाला है, बिकॉज आई लव पेरी पेरी फ्राइज. यार ये मैं कहां अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मास्टर शेफ में जाना चाहिए. गाइज इफ आई एवर गो आउट ऑफ जॉब तो मैं एक स्टॉल लगाऊंगा खाने का, और मैं सिर्फ ये बेचने वाला हूँ भाई. सिर्फ ये बेच के ना लाइनें लग जाएंगी मेरे स्टॉल के बाहर, देख लेना यार. ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है. और बेस्ट पार्ट ये है यार, ये कितना ज़्यादा आसान है बनाना. इसके अंदर यार जो मैंने ड्रेसिंग्स डाली है ना उसका आ रहा है फ्लेवर बढ़िया. तो गाइज मेरे कहने पर ना ये चीज़ एक बार घर पर बना के देखो और एक बार खा के देखो, और कोई बात नहीं थैंक यू मुझे बाद में बोल देना.
गाइज आई ट्राई टू मेक दिस फ्रॉम दिस एग्जैक्टली ट्राइंग. यार मैं लिटरली 3 आलू खराब कर चुका हूँ और यार मेरे से नहीं हो रहा. मुझे नहीं पता कि यार इन आंटी ने ये ऐसे कैसे काट लिए और इनका इतना परफेक्ट आलू पता नहीं स्प्रिंग में कैसे कट गया. मतलब यार मेंटली मैंने सोच रखा था कि यार ये तो शो स्टॉपर होने वाला है आज का, बट गाइज मेरे पास ना अभी 2 रेसिपीज और बची हैं एंड आई रियली होप कि अब यार ये फेल ना हो. अब जो मैं बनाने वाला हूं ना, इट इज कॉल्ड मैगी फ्राइज. लेट मी टेल यू हाउ दिस इज मेड. एक बाउल लो, पुट सम मैदा, थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, सम ऑरिगेनो, 1 teaspoon सॉल्ट. यार फिर आप लो फ्राइज, मैं ये मसाला फ्राइज ले रहा हूँ. यार अब इन फ्राइज को कोट करना है हमें इस मिक्सचर में. यार ये सब करने के बाद मैगी को सिंपली बॉयल कर लो और इस बॉयल्ड मैगी को इन फ्राइज के ऊपर रैप करना है. यार ये तो आसान है, ये हो जाएगा. A few moments later. यार वो एक्चुअली मैं गैस चला के बाहर चला गया था, सो पूरे घर में अब धुआं धुआं हो गया. बट एनीवे, हेयर आर माय फ्राइज. यार आप लोगों को ऐसा ही लग रहा कि इसके अंदर कुछ तो मिसिंग है. गाइज ये चेकआउट करो, मतलब बढ़िया तरीके से मैगी फ्राई हो चुकी है फ्राइज के चारों तरफ. वाओ अमेजिंग. इस मैगी की वजह से ना एक वो क्रिस्पी फ्लेवर आ रहा है एंड ऑल थैंक्स टू दोज मसाला जिसके अंदर हमने फ्राइज को डिप किया था. यार अगर वो मसाले ना होते ना तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता. गाइज ऑनेस्टली साउथ वेस्ट एंड मिंट मेयो का कॉम्बो, ओए होए होए होए. गाइज आपने कभी अंडे वाले फ्राइज खाए हैं? नहीं ना, आज आपको खिलाते हैं. हाँ तो यार वो किचन में बहुत ज़्यादा गंद मच गया था तो मैं ड्राइंग रूम में आ गया हूँ गंद मचाने के लिए. एग फ्राइज राइट. यार आंटी ने बोला था यूट्यूब वाली कि पहले एक बाउल लो, उसके अंदर मैदा डालो, उसके अंदर मसाला डालो, 2 अंडे फोड़ो, फिर फ्राइज डालो एंड नाउ इट्स टाइम टू मिक्स इट. ओ बाय द वे गाइज, इसके अंदर यार ऑरिगैनो भी डालना है, बट ऑरिगैनो मैं पहले इसके अंदर डाल चुका हूँ. एक्चुअली मैंने ये वही वाला मैदा यूज़ किया है जो मैंने मैगी फ्राइज के लिए यूज़ किया था, अब थोड़ा सा बच गया है और थोड़ा सा काम भी कम करना पड़ेगा. सो लॉल यार बड़ी स्लाइमी सी वाइब आ रही है फ्राइज में से, शक्ल से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे. ऑल राइट, जो मुझे करना था मैंने कर लिया. नाउ इसको डीप फ्राई करेंगे एंड लेट्स होप इस बार पूरे घर में धुआं धुआं ना हो. A few moments later. The egg fries. माल तो यार बढ़िया बना है. यार मैंने ना आज बहुत सारी नूब मिस्टेक की है. अभी के लिए जो नूब मिस्टेक मैंने की है, मैंने सारे फ्राइज इकट्ठे ऑयल के अंदर डाल दिए, इसलिए यार ये बेचारे चिपक गए हैं. एंड वाइब तो यार इसमें से बढ़िया पकोड़ों वाली आ रही है, बस भगवान बाहर बारिश करा दो, ओए होए मजा आ जाएगा. ऑनेस्टली गाइज ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बस हाँ ये है कि ऐसा मैंने कभी पहले नहीं खाया था. सो दिस इज समथिंग न्यू टू मी, नया फ्लेवर है और वो मसालेदार वाइब तो नहीं आ रही इसमें से. अगर इसके साथ यार वो मिंट मेयो मिल जाए तो मजे आ जाएंगे. यार आज की वीडियो से मुझे ये तो पता चल गया कि फ्राइज के साथ ना एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं एक्सपेरिमेंट करने की. आप भाई फ्राइज के साथ कुछ भी बना सकते हो. आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माई सेल्फ जो आज मैंने फ्राइज बोरिटो बनाया. भाई साहब वो तो मैं पक्का बार बार बनाने वाला हूँ. एंड हाँ मैंने यार वो चिकन वर्जन बनाया था, आप उसमें पनीर डाल के वेजिटेरियन वर्जन बना सकते हैं. आई कैन वाउच फॉर इट, यू विल लव इट, प्रोवाइडेड जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करना. आई एम फुल. यार ये जो है ना पूरा माल अब मेरे घर वाले खाने वाले हैं. वाह भाई काम मैं करता हूँ, मजे उनके होते हैं.
ओह शिट, अभी तो भाई किचन भी साफ करनी है। बिना बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। एक सेकंड लगता है भाई, बस इतना करना है आपको। मैं मिलूंगा अब आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, सबको सेफ रखो एंड हैप्पी ईटिंग।